Hello, my dear students. A very fresh morning to all of you. How are you all? I hope you all are fit and fine at your home. Stay home, stay safe. And I hope you all are enjoying the video classes and you are doing your homework daily. Yes? Okay. So, yesterday, what we studied? We studied about.

टूडेज थॉट ऑफ द डेइज मिस्टेक्स आर द स्टेस वी क्लाइम टू रीच सक्सेस ये क्या है हम मिस्टेक्स करते हैं तो उसको सुधारना है गलती कर करेंगे तो सुधारना है उसके साथ ही हमको सक्सेस मिलता है हम ट्राई नहीं करते हैं तो मिस्टेक्स नहीं होता है मिस्टेक्स नहीं होता है तो हमको फिर अच्छे से करने के लिए मौका नहीं मिलता है इसलिए जो मिस्टेक्स होता है वही हमारा जो सक्सेस का स्टेयर्स होता है स्टेप्स होता है वी कैन क्लाइम टू रीच सक्सेस ओके हमको ट्राई करना है तो सक्सेस मिलेगा ट्राई ही नहीं करेगा मिस्टेक्स ही नहीं करेगा तो हमको सक्सेस नहीं मिलेगा ओके ओके टूडेज एक्टिविटी इज राइट डाउन द फाइव यूजेस ऑफ सॉइल जो सॉइल है उसका फाइव यूजेस आपको लिखना है एक्टिविटी है राइट डाउन द फाइव यूजेस ऑफ सॉइल ओके यू हैव टू राइट इट डाउन फाइव यूजेस जो है उस सॉइल का वो लिखना है यस, वी विल कम बैक टू आवर चैप्टर दट इज चैप्टर नंबर एट वी कंप्लीटेड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया यस पेज नंबर में different kinds of soil. इंडिया में इंडिया जो डिफरेंट उसका एक्सप्लेनेशन हो गया कल का वीडियो में yes? वो है माउंटेन सॉइल एंड डेजर्ट सॉइल टुडे वी विल सी इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल कंजर्वेशन सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है जो सॉइल को प्रोटेक्ट करना होता है हमें सॉइल इरोशन हो जाता है उसे हमको क्या करना होगा प्रोटेक्ट करना होगा कंजर्व करना होगा अगले जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए वो प्रिजर्व करना होगा सेव करना होगा क्यों हमको ये सॉइल को कंजर्व uh, करना है क्योंकि ये है ईजिली इरोशन हो जाता है इजिली वॉश्ड अवे हो जाता है वॉश्ड हो जाता है इसलिए इसको हम सेव करना है यस ए फॉर्मेशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन होता है सॉइल फॉर्मेशन के बारे में हम जो पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किए थे जो फॉर्मेशन कैसे होता है वेदरिंग की वजह से जो सॉइल फॉर्मेशन होता है ये जो सॉइल uh, है फ्यू इंचेस का ही होता है थिक सॉयल टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स इसको जो वेदरिंग होता है वो फॉर्मेशन होने के लिए हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लगता है बट सॉइल जो सॉइल जो है वो एरोशन हो जाता है वो तो ईजिली हो जाता है मतलब क्विक प्रोसेस है जल्दी ही हो जाता है सॉइल एरोशन ए फर्टाइल सॉइल जो है वो क्रॉप्स ग्रो करने के लिए हमको चाहिए ए वॉश अवे हो जाता है तो हमको क्या होता है फर्टाइल सॉइल नहीं मिलता है इसलिए हमको सॉइल कंजर्वेशन करना है यस यस ए इरोशन क्या होता है द मूवमेंट ऑफ सेडिमेंट और सॉइल फॉर्म वन लोकेशन टू बाय मीन ऑफ वाटर आइस और विंड जो वाटर फ्लो से वो फ्लो की वजह से रिवर की वजह से जो विंड के वजह से आइस क्यूब से जो हो जाता है ग्लेशियर्स उसके वजह से क्या हो जाता है सॉयल जो है वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो मूवमेंट होता है इसको एरोशन कहते हैं एक क्विक प्रोसेस है जो अच्छा फर्टाइल सॉयल जो हो है वो विंड की वजह से वाटर की वजह से और ग्लेशियर्स की वजह से जो वॉश अवे हो जाता है इसको क्या कहते हैं एरोशन कहते हैं सो ए जो होता है उससे हमको सॉइल को बचाना है सॉइल को बचाना है ए इंपॉर्टेंट टू चेक द अपर फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल फ्रॉम बीइंग वॉश्ड सो ए वॉश होता है जो वॉश अवे हो जाता है फर्टाइल uh, सॉइल इसको हम क्या करना है प्रोटेक्ट करना है जो ये प्रोसेस है प्रोटेक्ट करने के लिए हमको क्या क्या करना होगा हमको क्या क्या करना होगा कैसे हम सॉइल कंजर्वेशन करते हैं सॉइल को सेव करते हैं वो हम देखते हैं यस yes, ये सॉइल जो सॉइल एरोशन होता है इसकी वजह से सॉइल का फर्टिलिटी है वो कम हो जाता है लेस हो जाता है जो सॉइल एरोशन है वो खाली जो वाटर की वजह से विंड की वजह से ही नहीं हमारा जो डिफॉरेस्टाइजेशन है ओवरग्राइजिंग है अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ है उसकी वजह से भी सॉइल एरोशन हो जाता है ए डीफॉरेस्टाइजेशन क्या होता है वी कट डाउन द ट्रीज द फॉरेस्ट एरिया जो है उसमें हम कंटिन्यूसली ट्रीज़ को कट करते हैं जो टिम्बर के लिए फर्नीचर के लिए पेपर एंड पेपर प्रोडक्ट्स के लिए इससे क्या हो जाता है फॉरेस्ट फ्लोर बेयर द इनक्रीज द पॉसिबिलिटी फॉर फ्लडिंग ड्यू टू सॉयल एरोन जो फ्लडिंग है वो ज़्यादा हो जाता है सॉइल एरोन इससे ज़्यादा हो जाता है जो सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो लॉस दर हैबिटेड जो फॉरेस्ट एरिया कम हो जाता है तो क्या होता है उधर जो रहते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसका प्लेस भी लॉस हो जाता है इसीलिए हमको ट्रीज को कट नहीं करना है एंड ओवरग्रेजिंग मतलब क्या है ओवरग्राइजिंग ग्रेजिंग uh, मतलब जो एनिमल्स uh, को और कोई अदर यूजेस के लिए हम ग्रेज करते हैं जो फूड uh, के लिए एनिमल के फूड के लिए जो उसको यूज करते हैं वो ग्रेजिंग कहते हैं इसके वजह से सॉइल एरोशन ज़्यादा हो जाता है यस yes, ये सॉइल जो है सॉइल एरोशन हो जाता है इससे बचाने के लिए हमको क्या करना है कैसे सॉयल कंजर्वेशन करना है हमको जो रिवर से कंस्ट्रक्ट करना है डैम्स को रिवर को डैम्स कंस्ट्रक्ट करना है उससे जो फ्लडिंग हो जाता है जोर से वाटर फ्लो होता है वो कम हो जाता है एंड ग्रोइंग ऑफ मोर प्लांट्स एंड ट्रीज एंड प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट एरिया स्पेशली ऑन हिल स्लोप्स जो हिल स्लोप एरिया है उसमें ट्रीज एंड प्लांट को ज़्यादा ग्रो करना है ये डो नाट कट ट्रीज ट्रीज को कट नहीं करना है डीफॉरेस्टाइजेशन नहीं करना है यस ग्रो मोर प्लेट्स प्लांट्स एंड ट्रीज एंड प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट एरिया इस्पेली ऑन हिल स्लोप हिली एरिया में भी हमको ज़्यादा ट्रीज प्लान्टना है मोर प्लांट्स को ग्रो करना है एंड यूज द राइट मेथड ऑफ प्लगिंग फील्ड्स जो प्लग uh, करते हैं फील्ड क्रॉप्स को प्लग करते हैं उसके लिए राइट मैथड्स यूज करना है जो ज़्यादा जोर से नहीं करना है uh, उसे सॉयल जो है अपर लेयर जो है वो ईजीली कैन डिस्ट्रॉय सो वी शुड नोट plug fields in a bad manner so we use right method of plugging fields and avoiding overgrazing overgrazing nahi karna hai jo field mein zyada jo overgrazing nahi karna hai and one more important thing is fertilizers jo hai उसको कम use करना है natural fertilizers use करना है we should not use केमिकल फर्टिलाइजर्स ये सब करने के वजह से जो सॉइल इरोशन है वो कम हो जाता है एंड वन मोर थिंग इज देय वी नीड टू डू टेरेस फार्मिंग इसी इसकी वजह से भी जो सॉइल इरोशन है वो कम हो जाता है इफ़ वी अडोप्ट दीज ऑल द मेथड्स सॉइल इरोशन कैन बी कंट्रोल टू अ लार्ज एक्सटेंट जो हमको पूरा नहीं आ, सेव कर, करना नहीं होता है फिर भी हम सम एक्सटेंट हम सॉइल एरोशन को कम कर सकते हैं इस सब मेथड यूज करने से ओके आपको ये पता चला कि कैसे हमको सॉइल एरोशन से बचाना है सॉइल को एरोशन से बचाना है कैसे कंजर्व करना है कैसे सेव करना है यस yes. था हमारा चैप्टर नंबर एट अवर नेचुरल रिसोर्स एज हमको पता चला क्विक रिव्यू में हम देखते हैं उसके पहले जो हम माइंड मैप देखते हैं माइंड मैप में आपको पता चलेगा कि के कैसा है ये पूरा लेसन एक माइंड मैप में आ जाएगा इससे आपको इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो याद रहेगा ओके okay? ये है माइंड मैप ऑफ सॉइल चैप्टर का जो सॉइल और नेचुरल रिसोर्स चैप्टर का माइंड मैप है इसमें क्या है इसमें फर्स्ट थिंग है व्हाट इज सॉइल एंड हाउ इट इज फॉर्मेटेड एंड इम्पोर्टेंस एंड टाइप्स ऑफ साइल एंड कंजर्वेशन ऑफ सॉयल यही है इस चैप्टर में वॉट इज सॉयल अपर लेयर ऑफ अर्थ हरफेस इज कॉल्ड सॉयल ए इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है फॉर्म ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स ड्यू टू टेम्परेचर विंड एंड वाटर एक्शन ये है वेदरिंग फॉर्म्ड ये जो सॉयल फॉर्म होता है किस से ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स एंड ब्रिक्स ड्यू टू टेम्परेचर विंड एंड वाटर एक्शन इसका इम्पोर्टेंस क्या है सॉइल क्यों हमको इतना इम्पोर्टेंट है ए हेल्प्स ग्रो ट्रीज एंड प्लांट्स प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रो होने के लिए ए चाहिए एंड होम टू मैनी ऑर्गेजम्स जो ह्यूमन से, अदर एनिमल्स है इंसेक्ट्स uh, है, uh, है वो सब के लिए ये होम है सॉयल यूज टू मेक क्ले पॉट्स एंड ब्रिक्स एंड होम ऑल्सो यस इन विलेज पीपल यूज सॉयल मड टू क्ले टू बिल्ड दर हाउस ऑल्सो सो इट इज यूज क्ले पॉट्स एंड ब्रिक्स एंड टाइप्स सॉइल का टाइप्स कौन कौन सा है आपको पता है एलुएल सॉयल यह है मोस्ट फर्टाइल वन बेस्ट फॉर एग्रीकल्चर ए एलुअल सॉयल है जो एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट है फोन्ड इन नदन प्लेन एंड कोस्टल एरिया कोस्टल एरिया में एंड नदर प्लेन एरिया में अलुएल सॉयल हमको देखने के लिए मिलता है क्रॉप्स ग्रोन हियर वीट, राइस शुगर के जूट कॉटन पल्स एंड रेड सॉयल नेक्स्ट वन है रेड सॉरी ब्लैक सॉयल जो नीचे है ब्लैक सॉइल ये फॉर्म फ्रॉम लावा रॉक्स एंड लेस फर्टाइल ये अलवे सॉइल से लेस फर्टाइल है ऑल्सो नोन एज कॉटन और रेगो सॉइल इसको कॉटन सॉइल भी कहते हैं क्योंकि कॉटन ये सॉइल में अच्छे से ग्रो होता है ब्लैक इन कलर ये जो ब्लैक सॉइल है कलर में ब्लैक लगता है क्रॉप्स ग्रोन कॉटन वीट शुगर केन ऑयल सीड्स एंड बिलेट्स एंड नेक्स्ट वन रेड सॉइल लेस फर्टाइल रेड सॉइल है वो लेस फर्टाइल होता है रेड इन कलर इसका कलर जो है वो रेड है फोन्ड इन आंध्र प्रदेश तेलंगाना तमिलनाडु उड़ीसा महाराष्ट्र कर्नाटका एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एंड क्रॉप ग्रोन ग्राउंड नट जर बाजरा रागी बीट एंड राइस एंड नेक्स्ट है लेटराइट सॉयल ये जो हैवी रेनफॉल एरिया है जो वेस्टर्न घाट्स एरिया में ज्यादा है लेस फर्टाइल है ए आसाम मेघालय एंड वेस्टर्न घाट में ज़्यादा है क्रॉप्स ग्रोन टी कॉफी रबर कोकोनट इसमें ज़्यादा मिलता है एंड नेक्स्ट वन माउंटेन ऑयल लेस फर्टाइल देन एलोएल एलोएल से लेस फर्टाइल है माउंटेन ऑयल रिच इन ह्यूमस ह्यूमस जो है वो ज़्यादा है माउंटेन ऑयल में ह्यूमस क्या होता है ए ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ सॉयल यूजुअली फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड लीव्स बाय सॉयल बैक्टीरिया जो है ये ह्यूमस क्या होता है जो प्लांट्स एंड एनिमल्स का डेड थिंगस uh, होता है जो डीकम्पोजिशन हो जाता है उसको ह्यूमस कहते हैं वो माउंटेन सॉयल में ज़्यादा है इसमें टी कॉफ़ी वीट मेज फ्रूट्स एप्पल्स पीचेस प्लम्स ज़्यादा मिलता है एंड नेक्स्ट वन इज डेजर्ट सॉयल डेजर्ट सॉइल में जो ए सैंडी होता है ड्राई होता है इनफर्टाइल होता है फर्टाइल नहीं है इसमें एंड फाउंड इन राजस्थान एंड गुजरात गुजरात राजस्थान में ये डेजर्ट सॉइल है एंड नीड इरीगेशन टू ग्रो प्लांट्स इस सॉइल में जो इरीगेशन सिस्टम अच्छा है तो क्रॉप्स ग्रो होता है लाइक व्हीट मिलेट्स बाली मेज ये सब अच्छा इरीगेशन सिस्टम है तो अच्छे से मिलता है ये सब क्रॉप्स हो जाता है एंड नेक्स्ट वन इज कंजर्वेशन ऑफ सॉयल कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं डू नॉट कट ट्रीज ग्रो मोर ट्रीज कंस्ट्रक्ट डैम्स ऑन रिवर्स डू नॉट कीप द फील्ड्स बैरन जो फील्ड को खाली नहीं रखना है अवॉइड ओवर ऐसा ये सब करने से ऑयल सॉरी सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं ये सब करने से सॉइल को सेव कर सकते हैं सॉइल इोशन से बच बच सकते हैं ये सब करने से ओके ये था हमारा माइंड मैप ओके सो so नेक्स्ट है क्विक रिव्यू इस चैप्टर से हमको क्या सीखने को मिला क्विक रिव्यू में है सॉइल इज अ गिफ्ट ऑफ नेचर टू मैन ये जो है नेचर का गिफ्ट है हम को, हम के लिए जो मैन के लिए मैन मतलब हाँ हमारा जो मैन काइंड है जो ह्यूमन से उसके लिए एंड सॉइल फॉर्मेशन इज अ स्लो प्रोसेस ये सॉइल फॉर्मेशन है वो जो स्लो प्रोसेस है इसमें है क्विक रिव्यू पेज नंबर फिफ्टी थ्री में ओके सॉइल फॉर्मेशन इज अ slow process the top layer of our earth is called soil soil kya hota hai upper layer or top layer of our earth there are six main types of soils they are in india okay alluvial red black mountain laterite and desert alluvial soil is the most important and fertile soil ये जो है एलुअल सॉइल ये फर्टाइल सॉयल है एंड इम्पॉर्टेंट वन है फॉर क्रॉप्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉयल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉयल है उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रो हो सकता है एंड ब्लैक सॉयल इज ऑल्सो नोन एज कॉटन सॉयल और रिगर सॉयल ब्लैक सॉयल को कॉटन साइल भी कहते हैं और रिगर्स सॉयल भी कहते हैं एंड लाइटरेट सॉयल इज फाउंड इन द एरियाज़ ऑफ हैवी रेन्स, हैवी रेन होता है उस एरिया में लाइटराइट सॉयल मिलता है इट इज अवर ड्यूटी टू कंजर्व और प्रोटेक्ट सॉयल फ्रॉम बींग वॉश्ड अवे जो एरोशन से हमको सॉइल को बचाना है प्रोटेक्ट करना है कैसे करते हैं वो हमको पता है यस? इट इज द क्विक रिव्यू ऑफ अवर चापटो You have to read the chapter thoroughly and understand the chapter and different kinds of soil in India and conservation. How can we conserve the soil? These are all the things we should learn. Okay, let's see our worksheet. Okay, we completed our chapter. Just see the worksheet. पेज नंबर इलेवेन दट इज चैप्टर नंबर एट सॉइल अवर नेचुरल रिसोर्स यस डे वन एंड डे टू इज हियर, यू हैव टू फिल योर वर्कशीट टुडे, ओके फिल इन द ब्लैंक्स आर देयर इन डे वन में द अपर लेयर ऑफ द अर्थ इन विच प्लांट्स ग्रो इज कॉल्ड इसको क्या कहते हैं सॉइल एंड सेकेंड वन डैश टेक्स हंड्रेड ऑफ ईयर्स टू फॉर्म अ सॉयल लेयर ऑफ फ्यू इंचस जो वेदरिंग है वो टेक्स अ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू फॉर्म अयर ऑफ फ्यू इंचस इसको क्या कहते हैं वेदरिंग एंड थर्ड वन सॉ डैश फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड दर टाइप्स एंड थिकनेस ऑल्सो सॉयल्स जो है वो प्लेस टू प्लेस जो वन प्लेस टू अनदर प्लेस ये भी ये चेंज हो जाता है डिफरेंट टाइप्स है एंड थिकनेस में भी डिफरेंस uh, है इसको क्या कहते हैं डिफर फ्राम सॉयल्स डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड देर टाइप्स एंड थिकनेस ऑल्सो येस फिल इन द ब्लैंक्स हो गया नेक्स्ट एक्सरसाइज है राइट ट्रू और फॉल्स एयर वाटर एंड सॉइल आर द गिफ्ट्स ऑफ साइंटिस्ट टू नेचर इज इट ट्रू साइस साइंटिस्ट से बनाया हुआ है ये नो इट इज नेचुरल थिंग नेचुरल रिसोर्स फ्रॉम नेचर नेचर से ही बनाया हुआ है इसलिए ये गलत है जो आपको एफ लिखना होगा फॉल्स है Okay, second one, soil is not needed to grow plants. Is it true? Soil nahi chahiye plant grow hone ke liye. Yes, it is false statement. We need soil to grow plants. It is also false statement. Third one, it is our duty to protect soil from being washed or carried away. Yes? We need to protect soil from being washed or carried away. It is true. One, so we need to write T. jo day one ka ho gaya day two me kya hai exercise one hai answer in one word which soil is called rigor soil? Black soil is called rigor soil. Answer is black soil. Second one, which soil is divided into भांगर एंड खादर इसमें प्रिंट मिस्टेक है जो बी एन जी ए आर होना चाहिए एंड के एच ए डी ए आर होना चाहिए ओके अलुएल सॉइल इज डिवाइडेड इन टू एंड एंड ए सेकेंड आंसर है अलुएल सॉइल एंड थर्ड वन विच टाइप्स ऑफ सॉइल कैन रिटर्न रिटेन मॉइस्चर वो रिटेन मतलब क्या है टू होल्ड मॉइस्चर को होल्ड करता है विच टाइप ऑफ सॉइल वो है ब्लैक सॉइल ब्लैक सॉइल कैन रिटेन मॉइस्चर एंड एक्सरसाइज नंबर टू है अनस्क्रैबल द वर्ड जो वर्ड है उसको सही से लिखना होगा फर्स्ट वन है एल्यू एल सेकेंड वन है रिटेन थर्ड वन है लेटराइट यस ओके इट इज डन यू हैव टू कंप्लीट डे वन एंड डे टू का दैट इज पेज नंबर इलेवन इन योर वर्कशीट ओके ओके नाउ लेट्स सी अवर क्विज जोन जो हमको क्या करना है टेक्स्ट बुक में लिखना है टेक्स्ट बुक में जो क्विज जोन है उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसको टिक करना है यस एंड फिलिंग द ब्लैंक्स को लिखना है ओके okay? जो फर्स्ट वन है दिस टाइप ऑफ इज़ फाउंड इन द एरियाज़ ऑफ हैवी रेनफॉल हैवी रेनफॉल होता है उस रीजन में ए सॉयल मिलता है वो है बी ऑप्शन नंबर बी लेटराइट सॉइल लेटराइट सॉइल जो है वो हैवी रोन रेनफॉल के रीजन में ज्यादा होता है आपको टिक करना होगा लेटराइट सॉइल नेक्स्ट वन मोस्ट ऑफ द डेकन प्लेट्यू आर इन इज कवर्ड विथ जो डेकन प्लेट्यू रीजन है वो ब्लैक सॉइल से भरा हुआ है कवर्ड विथ ब्लैक सॉयल सो ऑप्शन नंबर बी इसमें भी ब्लैक सॉयल एंड थर्ड वन कॉटन ग्रोस वेल इन कॉटन जो है वो ब्लैक सॉयल में ज़्यादा ग्रो हो जाता है अच्छा से अच्छे से ग्रो हो जाता है इसलिए इसको कॉटन सॉइल भी कहते हैं डी ऑप्शन नंबर डी ब्लैक सॉइल And this type of soil is made up of lava. It is also the same answer, but and same option also. D. Black soil. Yes, black soil is made up of lava. So volcanic uh, hota hai volcanoes hota hai usse lava. Ajata hai. So a soil hai, black soil usse made up of. लावा, उसे हो जाता है ब्लैक सॉइल फोर्थ आंसर ये हमारा इंडिया में जो सिक्स टाइप्स ऑफ सॉइल है उसमें मोस्ट फर्टाइल सॉइल जो है वो एल्यूएल सॉइल है ऑप्शन नंबर yes? ए अलुएल सॉयल यस ये हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया फिल इन द ब्लैंक्स फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है फर्स्ट वन डैश इज सैंडी एंड नॉट फर्टाइल फर्टाइल सॉइल नहीं है सैंडी है वो है डेजर्ट सॉइल डेजर्ट सॉइल इज सैंडी एंड नॉट फर्टाइल यू राइट डेजर्ट सॉइल इन दैट फर्स्ट द ब्लैंक में सेकेंड वन द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज वॉश्ड अवे बाई

टर्न द नेक्स्ट पेज फिफ्टी फोर उसमें फोर फोर एंड फाइव है फिल इन द ब्लैंक्स वो भी हमको लिखना है इट टेक्स डैश ऑफ ईयर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ इवन एन इंच ऑफ थिक थिकॉयल एक, एक इंच का जो सॉयल फॉर्मेशन होने के लिए हंड्रेड्स ऑफ ईयर लगता है जो हंड्रेड्स ऑफ ईयर लिखना है एच यू एंड डी आर ई डी एस हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स फिफ्थ वन डैश इज न्यू एलि न्यू एलि को क्या कहते हैं उसको खादर कहते हैं उसको क्या कहते हैं न्यू अलिवेल सॉइल को खादर कहते हैं ओल्ड सॉइल को भांगर कहते हैं ओके okay? ये हमारा क्विज जोन का फिल इन द ब्लैंक्स एंड मल्टीपल चॉइस हो गया कल हम देखते हैं ट्रू और फॉल्स Match the columns and writing zone of this chapter. Okay. You have to write in textbook quiz zone ka fill in the blanks and multiple choice questions and then day one and day two ka worksheet. Okay. I hope you will write your homework. Bye bye. Take care.